ये प्रांगण हम लोगों के भाषण सुनता सुनता आधा हो गया, आधे लोग चले गए। भोजन बधाई के बीच में ये भाषण की व्यवस्था तो अनुकूल नहीं, पर जो व्यवस्था बनाने वाले और जो उद्घोष खुद जो मन संचालन कर रहे हैं ये भी शौकीन। रूपाराम जी को मैंने कहा कि रूपाराम जी आज तो शिक्षा की बात, सफलता की बात, इसका मंच है, तो आप चीफ इंजीनियर बने हो, आप प्रेरणा दो, समाज को प्रेरणा दो, आप संदेश दो। हम लोग अमूमन बात जरूर करते हैं, जो दुनिया करती है उसमें अपने आप को शामिल जरूर कर लेते हैं, तो गहराई से उस सच्चाई तक पहुंचने का हम लोगों का प्रयास किया। हम लोग संविधान के संदर्भ में एक जिक्र जरूर कर लेते हैं। उदाराम जी ने बात करी कि बाबा साहब ने कहा जब तक संविधान जिंदा था तब तक मैं जिंदा। हमारा दुर्भाग्य, हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य कि आज ये बात भी हम लोगों को सुनने को मिल रही है कि बाबा साहब अगर वापस आ जाए जो उन्होंने हम लोगों को संदेश दिया, क्या इस पीढ़ी के अंदर हम लोग उनके संदेश को समझ रहे हैं। खुद अपन आकलन करें तो अपने आप अपने को उत्तर दें। ये संविधान सिर्फ हम लोगों को कुछ अधिकार ही नहीं देते हैं, संविधान हमें कर्तव्य भी देते हैं। वो कर्तव्य क्या है? ये कर्तव्य जो गोपालराम जी ने अपने बेटे को सीख दी, ये कर्तव्य भी हमारे को संविधान हम लोगों को उस दिशा के अंदर कुछ चीज आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। कैसी भी परिस्थिति हुई, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोगों को बड़े स्पष्ट तौर के ऊपर तय करना चाहिए और किसी से विचलित नहीं होकर एक ऐसा वातावरण बनाया हुआ है इस समाज के अंदर लोगों ने कि कुछ चीजें हम लोगों के सीमा में है और कुछ चीज हम लोगों की सीमाओं से बाहर है। इस भ्रांति से हम लोगों को अपने आप को दूर करना पड़ेगा, विशेषकर बाड़मेर जिला राजस्थान के लोगों को, दलित और पिछड़ा को मैं कहना चाहूंगा। ये यूपीएससी की परीक्षा जो रूपाराम जी ने अपने जीवन का एक पड़ाव आठवीं से नवीं का हम लोगों को कहा, बड़े हल्के अंदाज से हम लोगों ने उसको सुना और उसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं, पर इसको समझने की आवश्यकता, समझने की इस माध्यम से आवश्यकता कि हम किससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जिन लोगों से हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वो पैदा होने से पहले ही उन लोगों के लिए सभी व्यवस्था हो चुकी होती है, और हम लोग जब हमारे को आवश्यकता रहती है उस वक्त हम लोग उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जागृति और शिक्षा के माध्यम से ही हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और कठिन परिश्रम के अलावा दूसरा और कोई जरिया नहीं। बाकी कोई बात करता है, भावनाओं की बात करेगा, किसी और चीज की बात करेगा, पर कठिन परिश्रम के अलावा आप लोगों के पास कुछ भी नहीं। अंत के अंदर दुनिया के अंदर दो ही वर्ग रहे, शोषक और शोषित। आज तक 4,000 करोड़ साल पहले यह मनुष्य का उत्पत्ति हुई, और शोषक कभी भी ये नहीं चाहता, लगातार शोषक सफल होता जा रहा है कि शोषितों को किसी प्रकार हम लोग आपस में बांटे रखें, किसी प्रकार उनके अंदर आपस में विश्वास नहीं रहे, आपस में अविश्वास नहीं। इस चीज को भी अगर गहराई से आप लोग समझोगे, बाबा साहब की जीवनी, बाबा साहब के संदेश को अगर आप गहराई से समझोगे, काशी राम जी को हम लोग बहुत याद करते, उदाराम जी ने कहा रखा है, काशी राम जी की DS4 को अगर आप समझोगे, इन तमाम बातों को आप लोग समझ जाओगे और इस दिशा के अंदर पर लोग सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यही मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद।